तो फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार हम अखाड़ा के शुरू होने से ही कर रहे थे। भाई वो रिवेंज वाले सीन जो के हमें देखने हैं और वो रिंग वाले सीन जिसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि भाई कब दिलशेर रुस्तम से या उसके बाप से कब बदला लेगा सुल्तान की मौत का। तो भाई अब वो वक्त आ चुका है, अब एपिसोड 25 और 26 में हमें तकरीबन इसी प्लॉट को दिखाया जाएगा। और मजा तो तब आएगा जब चौधरी रियासत के सामने दिलशेर खुद आके खड़ा हो जाएगा, और जब चौधरी रियासत अली अपने बेटे की फुल तारीफें कर रहे होंगे तब दिलशेर आएगा और वो बात कहेगा जो कि उसके भाई सुल्तान के साथ दो नंबरी की गई थी, मतलब कि अंपायर्स को साथ मिलाया गया था। तो और वो कहेगा ये सब कुछ हो सकता है, आप फाइट भी जीत सकते हो, सब हो सकता है, लेकिन तब जब आप ये सब कुछ ईमानदारी से करेंगे, मतलब कि अंपायर्स को साथ नहीं मिलाएंगे। और दूसरी तरफ अशरफ भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं इस एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में, क्योंकि वो सितारा के बाप के सामने जाएंगे और उनको ये कहेंगे कि यार एक दफा ये पता लगा लो कि जो चौधरी रियासत अली है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना सब कुछ सेटअप छोड़ के लाहौर क्यों आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लाहौर क्यों आया है, सिर्फ ये पता कर लो। और यहाँ पे जब वो पता कराएगा तो उसको सारी हकीकत पता लग जाएगी और यहाँ पे वो भी अब सितारा के साथ हो जाएगा। और एक जो कबाब में हड्डी था इस टाइम दिलशेर और सितारा के दरमियान रुस्तम, उसको वो फुल निकालने में मदद करेगा, निकालने में मदद किया और निकाल देगा, सीधी सी बात है। और दूसरी तरफ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना यार, वो इस टाइम में रुस्तम और रेशमा की लव स्टोरी होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में रुस्तम जो है वो रेशमा से आहिस्ता आहिस्ता उसको पसंद करने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता उससे शायद वो प्यार भी कर ले। लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा यहाँ देखना कि भाई मेकर्स इस चीज को कैसे पुल ऑफ करते हैं, कि इनकी रिलेशनशिप को किस तरह से बनाते हैं और क्या इनके रिलेशनशिप को बनाते भी हैं या बिल्कुल ही तोड़ देते हैं, तो क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा हैप्पी एंडिंग होते हुए मुझे नजर आएगी आने वाले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले हमें काफी ज्यादा रिवेंज, काफी सारी लड़ाइयां, काफी कुछ देखने को मिलेगा। और एक्सपेक्टेड ये है इसकी जो एपिसोड्स हैं मेरे ख्याल में तकरीबन 32 से 33 एपिसोड इसकी होंगी टोटल, ज्यादा एपिसोड इसकी नहीं होने वाली। और दूसरी बात, आपको पता है कि जो रुस्तम है वो इस टाइम सारी सिचुएशन से बिल्कुल ला इल्म है, उसको नहीं पता जो दिलशेर है उसके साथ मेरी एग्जैक्ट लड़ाई क्या है। उसको लगता है कि बस मेरी ईगो की लड़ाई है, जो सितारा वाली लड़ाई है बस मेरी वो लड़ाई है। उसको ये नहीं पता कि भाई मेन लड़ाई तुम्हारी दिलशेर के साथ है ही क्या। तो भाई इसके टीजर में हमें ये भी बताया जाता है एंड में कि जो उसकी माँ है वो हो सकता है कि अब रुस्तम को बताए, और ये भी बड़ा देखने के लायक होगा कि भाई रुस्तम उसके बाद क्या करता है जब उसको पता लगेगा मेरे बाप ने इसके भाई को, मतलब के सुल्तान को मरवाया था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि भाई उसके बाद जो रुस्तम है उसका क्या रिएक्शन आता है। तो भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाली एपिसोड, और आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लग रहा है, कुछ फैन थ्योरीज वगैरह आप भी बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, जरा बताया भी करो। तो मिलते हैं अगली और भी वीडियोस में, तो इस तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।